हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों ने इसे कई बार कर लिया होगा, फिर भी चलिए आइए आज रिवाइज करते हैं। चलिए आइए बच्चों, सीखते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले फैक्टराइज का फॉर्मूला प्रूव करना बता दिया था, जैसे था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी से हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बाय में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टोटल टर्म को इसके नीचे ले आए तो दो संख्याओं का योग क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दो नंबर में हम ए माइनस बी का बात करें तो हो जाएगा सिर्फ यहां जहां प्लस है हम माइनस कर देना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी है ध्यान रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सारा फॉर्मूला मैंने करवा चुका है पिछला वीडियो में। और तीन संख्याओं का जोड़ a प्लस बी प्लस सी रहे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। क्या लिखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। बाय में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है बच्चों, इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। ठीक है, चलिए अब इन्हीं फॉर्मूला के यूज से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड सब, ये फाइंड मतलब तीनों में फाइंड करना है, ये तीनों का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। देखिए क्वेश्चन में है 0.8 गुना 0.8 गुना 0.8, फिर बीच में माइनस है 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, नीचे में है 0.8 गुना 0.8 प्लस 0.8 गुना 0.5 0.5 गुना 0.5। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं आए तो आप क्या कीजिएगा, ये तीनों गुना कीजिएगा, फिर ये तीनों गुना कीजिएगा, फिर घटाइएगा, फिर ये दोनों गुना कीजिएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा, ये दोनों गुना जोड़िएगा, उसका भाग देकर जो आएगा वो आंसर होगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन देखकर ही फॉर्मूला का ख्याल आ जाए तो आपको उतना पहचान नहीं करना पड़ेगा, मतलब आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे देखिए, 0.8 का गुना कितने बार में है, तीन बार में है, तो 0.8 तीन बार गुना है, इसका मतलब आपका हो गया 0.8 का होल क्यूब। क्या हुआ, 0.8 का होल क्यूब क्या हुआ, क्योंकि ये तीन बार है तो क्यूब हो गया। 0.5 भी तीन बार गुना है तो 0.5 का होल क्यूब हो गया। और देखिए 0.8 दो बार है तो ये हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 0.8 इंटू 0.5 ये रहने दीजिए, 0.8 इंटू 0.5 और प्लस 0.5 दो बार गुना में है तो 0.5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। देखिए कुछ दिख रहा है, ए क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिए 0.8 को ए मान लीजिए और 0.5 को बी मान लीजिए। ठीक है, इसके लिए हमें ए पुट कीजिए, इसके लिए हम बी पुट कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ए माना है हो गया ए स्क्वायर, ये ए है और बी है तो क्या हो गया, ए इंटू बी हो गया, और प्लस ये बी है तो ये हो गया बी का स्क्वायर। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखना है फॉर्मूला, ए माइनस बी, क्या मतलब बच्चों, ए माइनस बी था ये फॉर्मूला था। तो आपको ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर ए क्यू माइनस बी क्यू रहे, अगर ये हम जो चिन्ह माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। तो ए किसको माने थे, 0.8 को, 0.8 और बी क्या है, 0.5, तो ये आपका हो गया 0.3 आंसर हो गया। समझ गए,
चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है, 0.17 सॉरी 1.75 इंटू 1.75, तो 1.75 को मान लेते हैं ए, और 1.25 जो है 1.25 को क्या मान लिया बी, मानने उन्हें काम नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट दीजिएगा। देखिए 1.75 तीन बार है, मतलब ए गुना ए तीन बार है, तो ये क्या हो गया ए क्यूब प्लस दे दिए यहाँ पर 1.25 भी तीन बार है, तो क्या बी माने हैं, तो बी पर तीन हो जाएगा। 1.75 दो बार है, मतलब ए स्क्वायर जाएगा क्योंकि 1.75 को ए माने हैं। फिर यहाँ माइनस दे दिया 1.75 इंटू 1.25, तो ये वाला ए है, वाला बी है, क्या हो गया ए भी हो गया। 1.25 इंटू 1.25 दो बार है, तो बी माना क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। देखिए ऊपर में क्या आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और बाय में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मैंने समझाया था ए क्यू प्लस बी क्यू का प्लस में रहे, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस रहेगा तो प्लस देंगे और ए प्लस बी कर देंगे। तो ए का मान है आपका 1.75 और बी का मान है 1.25 बोल दिए बच्चों, तो आपका हो गया 0.03 मतलब 3 आपका आंसर हो गया। पॉइंट के बाद 0 हटा दिया था, कितना लिखे आपको 3 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, बहुत ही सिंपल है लेकिन फिर भी एक बार कीजिए। देखिए यहाँ पर 50 50 50 तीन बार है, तो ए को मान लेते हैं 50, 40 40 तीन बार है, तो 40 को मान लेते हैं बी, 20 20 20 तीन बार है, तो सी मान लिए हम यहाँ पर आपका 20 मान लीजिए, आप बैठा दिए बच्चों, तो 50 तीन बार है, तो हो गया ए क्यूब ए गुना ए तीन बार, ए क्यूब हुआ, 40 40 से तीन बार गुना है, तो क्या हो गया बी क्यूब, 20 गुना 20 तीन बार है, क्या हो गया सी क्यूब। ये तीन लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्या हो गया ए बी सी। बाय में देखिए 50 का गुना दो बार में है, तो ए स्क्वायर 40 गुना दो बार में है, तो हो गया बी स्क्वायर, 20 दो बार गुना क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका ए बी, 50 ए है 40 बी है, ए बी हो गया 40 और 20 है मतलब बी सी हो गया बच्चों ये, और माइनस 50 गुना 20 है, 50 गुना 20 मतलब ए इंटू सी है, ए इंटू सी है। तो कुछ देर पहले मैंने लिखा था फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए रहे या ए सी रहे, तो फॉर्मूला होता वहां पर ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू कितना बच्चों 50, बी कितना है 40, और सी कितना है 20 है, 50 40 90 और 20 कितना हुआ 110 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC के फैक्टराइज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीखा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो परीक्षा में आपको चुटकियों में सवाल बन जाएगा, अगर याद नहीं आता है तो आप आंसर तो निकाल लीजिएगा लेकिन बहुत गुना भाग करने के बाद आंसर आएगा जो आपके टाइम को किल करेगा, इसलिए फॉर्मूला को ध्यान रखिए बच्चों, और परीक्षा में अगर कभी इस तरह का सवाल मिल जाए तो आप बना लीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय।